तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर का आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें फंक्शन के जो काइंड्स थे, जो कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में जो है बताया था, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन को हम लोग सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. तो इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज में है, जिसको कि आप बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करिए. इसके भी क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में जरूर आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें. आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए, इसमें एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द फंक्शन एफ, एक फंक्शन एफ यहाँ पर डिफाइन किया गया है, वो है नॉन जीरो रियल नंबर के सेट से. देखिए, इस तरह का स्टार अगर बना देता है तो आर को आप जानते हो रियल नंबर का सेट है, अगर इसमें स्टार बना दिया तो ये नॉन जीरो रियल नंबर हो गया. ठीक है, तो नॉन जीरो रियल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर के सेट में ये फंक्शन को डिफाइन किया गया है. और कैसे डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x. अब इसको दिखाना है कि ये वन वन और ऑन टू दोनों ये है. तो अब थोड़ा सा लास्ट लेक्चर वाला जो है आप इसमें देख लें. देखिए, आपको याद होगा कि इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ये अगर इंप्लाइज कर दे एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, देन एफ इज कॉल्ड 1. और अगर इफ रेंज ऑफ एफ इस पर टू अगर हो जाए फोर वोमेन, तो उस केस में ये आपका जो हो जाता है एन एफ इज कार्ड ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, और इसमें दूसरा जो देखिए केस होता है कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये इंप्लाइज कर दे कि एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, देन एफ इज कॉल्ड मिनिमम. तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना होगा, इसी के बेसिस पर हम लोग इसको प्रूव करेंगे. तो आप ध्यान से देखें, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए, आप हम लोग लेंगे लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब ये है दो. ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x1 एंड f of x2 is equal to 1/x2. अब देखिए, if f of x1 is equal to f of x2, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, 1/x1 is equal to 1/x2, और 1/x1 is equal to 1/x2 है, तो ये इंप्लाइज कर देगा x1 is equal to x2. तो यहां पर आप देख रहे हो, f(x1) is equal to f(x2) इंप्लाइज x1 is equal to x2. Thus, f is 1/1 function. तो ये अगर आप एग्जाम में इतना कर देंगे तो इस पे 1 मार्क्स आपको मिलेगा. ठीक है, अब हम लोग इसको शो करेंगे कि ये ऑन टू भी है. देखिए, ऑन टू शो करने के लिए ये जरूरी होता है कि आपको, अब आप उल्टा चलेंगे, ये दिखाएंगे कि को डोमेन का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए कि डोमेन में कोई एलिमेंट ना हो, मतलब को डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज जरूर होने चाहिए. अगर यहाँ कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो उस केस में ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा. बस ये ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें सेकेंड पार्ट के लिए, let y belongs to R, मतलब
इंच कीजिए। F image of x belongs to R plus, ये है यहाँ पर रूप है। दस F x is equal to हो गया आपका 1 by x, ठीक है। तो उससे पहले आपने लिख लेंगे कि आपने ये माना है कि y जो है को डोमेन का एक ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन के किसी एलिमेंट x का इमेज है, इसका मतलब F x is equal to हो गया y। तो यहां से अगर आप देखें तो fx को आप लिख सकते हो 1/x / y, क्योंकि fx की वैल्यू क्या है 1/x। तो यहां पर आप देखें अगर ध्यान से तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/y। अब देखिए यहीं पर आपको तो दिख रहा है, अब आप खुद सोचिए कि क्या को डोमेन में, को डोमेन तो पहले ही बता दिया कि नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है, मतलब जीरो तो है नहीं, वो इसलिए क्या कर रहा है, यहां पर आपने जीरो रख दिया होता तो ये अनडिफाइंड हो जाता। कहां समझ गया 1 / 0 क्या है, अनडिफाइंड। तो अगर हम लोग अब इसमें जीरो तो है नहीं, अब जीरो को छोड़ करके आप कोई भी रियल नंबर, अब किसी भी रियल नंबर को अगर आप यहां रखिए तो 1/ रियल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। देखिए रियल अगर नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, उसको इमेजिनरी होना चाहिए, और इमेजिनरी होता है रूट के अंदर -1, लेकिन यहां तो रूट के अंदर वाली कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हम यहां कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो उसका जो रेसिप्रोकल है, मतलब 1/ रियल नंबर आल्सो ए रियल नंबर। तो आप यहां से लिखोगे for all y belongs to non-zero real number, ध्यान से समझिएगा, there exists x belongs to non-zero real number such that f of x is equal to y। समझ गया, मतलब क्या कि नॉन जीरो रियल नंबर के सेट में कोई भी एलिमेंट, इधर से आप चलिए कि नॉन जीरो रियल नंबर का जो सेट को डोमेन है, को डोमेन का कोई भी एलिमेंट अगर आप लेते हो, ठीक है, तो उसके लिए डोमेन जो कि नॉन जीरो रियल नंबर है उसका कोई एलिमेंट जो है हमारे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दियर एग्जिस्ट, तो दियर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो जीरो रियल नंबर सच है fx is equal to y, मतलब f of x is equal to y। तो ये चीज अगर हो गया तो इसका मतलब हो गया, so range of f is equal to को डोमेन, मतलब हो गया ये r, so r is onto function, onto या सजेक्टिव फंक्शन भी आप बोल सकते हैं। समझ में आई बात आपको, इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो ये आपको देखिए प्रूफ करना था कि 1/1 और 2, इसके लिए सेपरेटली अलग से आपको मार्क्स मिलते हैं, और जनरली ये जो है 1 मार्क्स का होता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना होता है, तो इसको इसको इस पर 2 मार्क्स दिया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन छोटा है तो 1/1 मार्क्स दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब इसमें देखिए एक पार्ट और होगा, तो ये अब इसी में देखिए क्वेश्चन ये कर दिया कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन आर नॉन जीरो रियल नंबर इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर विद को डोमेन बीइंग सेम एज आर नॉन जीरो रियल नंबर। मतलब अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट क्या बना रहा है कि अब जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर के सेट से नॉन जीरो रियल नंबर के सेट में डिफाइन किया जा रहा है, ध्यान से समझिए, और fx फंक्शन सेम है, fx इज इक्वल टू है आपके पास 1/x। तो अब पूछ रहा है कि क्या ये अभी भी 1/1, आपसे फिर ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्या अभी भी ये फंक्शन जो है ये 1/1 और 2 रहेगा या आंसर चेंज हो जाएगा, पर ये फिर देखा जाए इसको। तो ले x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x1 x2 बिलोंग्स टू n, सो f ऑफ x1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/x1, एंड f of x2 जो है वो हो जाएगा आपका 1/x2।
ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए f of x1 is equal to f of x2 हो जाए, this implies 1 by x1 is equal to, तो ये तो अभी भी आपका वही आ गया, x1 is equal to x2, so f is 1, तो ये आंसर तो सेम हो गया। मतलब अगर हम लोग रेड में जो नॉन जीरो रियल नंबर का सेट था उसको अगर रिप्लेस करते हैं नेचुरल नंबर के सेट से, नेचुरल नंबर तो आप जान रहे हैं, नेचुरल नंबर में जैसे कि हम ये सब आएंगे 1 2 3 और रियल नंबर में क्या होता है, इमेजिनरी नंबर छोड़ करके रेस्ट जितने भी नंबर आपके हैं वो सब आपके रियल नंबर में आ जाते हैं। अब नॉन जीरो रियल नंबर हो दिया तो बस जीरो हटा दीजिए, उसके अलावा जितने बच गए सब रियल नंबर। अब इस तरीके से सेकंड पार्ट आप देखो, सेकेंड पार्ट में अब फिर वही हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू, देखिए इसमें एक तरीका और है, कभी कभी नॉन जीरो वाला जब हम लोग को ऑन टू शो करना होता है कि ऑन टू नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ये शॉर्टकट मेथड आपको बता रहे हैं। आप क्या करो कि ऐसे आप सोचो कि जैसे आपके पास fx इज इक्वल टू क्या है, 1 by x, ठीक है, तो आप ये देखो कि क्या जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं उनका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, नेचुरल नंबर का क्या करते हैं रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन करते हैं, तो क्या वो नेचुरल नंबर होगा, तो बिल्कुल नहीं, वो जैसे 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3 इस तरह से कुछ भी आ सकता है। तो कहने का मतलब नेचुरल नंबर तो नहीं होगा लेकिन वो रियल नंबर जो होगा, तो किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम लोग रेसिप्रोकल करें तो वो हमारा रियल नंबर आएगा। रियल नंबर मतलब वो इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो अब हम लोग ये दिखाना होगा कि ये ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू के लिए क्या करिए, आप ये सोचिए अपने दिमाग में कि क्या जितने भी हमारे रियल नंबर हैं, क्या सोचिएगा जितने भी रियल नंबर हैं अगर उन रियल नंबर्स का रेसिप्रोकल अगर हम कर दें तो क्या रियल नंबर आएगा, सॉरी नेचुरल नंबर आएगा। देखिए कैसे ध्यान से समझिए, लेट y बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर इज f इमेज ऑफ नेचुरल, f इमेज ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल, सो f ऑफ x इज इक्वल टू y, और fx को आपने क्या लिख दिया 1 by x, तो 1 by x इस पर हो गया। ध्यान से समझिए, यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 1 by y हो गया। अब आप दिमाग से सोचिए y यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर, तो क्या आप यहाँ पर किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर को रखोगे तो क्या उसका 1 अपॉन करने पर क्या वो डेफिनेटली नेचुरल नंबर आएगा। तो अब आप सोचेंगे हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो अब आप ये सोचिए कि वो कौन से या कौन सा कोई एक भी आप खोज लीजिए ऐसा नॉन जीरो रियल नंबर जिसको कि यहाँ पर रखा जाए तो वो नेचुरल नंबर ना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए इफ वाई इज इक्वल टू हमने ले लिया टू, वाई का ले लिया टू, वैसे बहुत सारे रियल नंबर हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2, लेकिन जो x की वैल्यू 1/2 आई है, x क्या है, x है आपका नेचुरल नंबर में, और ये जो x की वैल्यू आई है नेचुरल नंबर तो है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे कोर डोमेन में एक एलिमेंट 2 ऐसा है जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रेंज ऑफ f है इज नॉट इक्वल टू कोर डोमेन। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे लेंगे, इट मीन्स फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ y बिलोंग्स टू, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल, fx is equal to 2y, so range of f
is not equal to 4. So f is not onto के लिए केवल onto ना हो, जैसे कोई फंक्शन onto नहीं है, इसको शो करने के लिए बहुत एक छोटा सा सफिशिएंट कंडीशन होता है कि आप ये दिखा दो कि कोर डोमेन का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेट ना करता हो। तो बस ये हो गया कि वो onto नहीं, बहुत सिंपल है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि फंक्शन सेम वही होगा, लेकिन अगर हम ये डोमेन और को डोमेन को चेंज करते जाएं तो क्वेश्चन के हमारे आंसर भी चेंज होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन का इसमें भी ये चेक करना है इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब वन वन है कि नहीं और सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू है। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक, तो अब आपको ये शो करना है, ये चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं। फिर स्टार्ट करते हैं वैसे ही, लेट x1 x2 belongs to natural number, then ये natural number मतलब डोमेन, x f of x1 is equal to हो जाएगा आपका x1 square and f of x2 जो है ये हो जाएगा x2 square। तो if fx1 is equal to fx2 हो जाएगा तो ये इंप्लाइज कर देगा x1 square is equal to x2 square। अब देखिए x1 square is equal to x2 square है, तो अगर हम स्क्वायर रूट लें तो आपको याद होगा कि अगर x square is equal to a square होता है तो x की वैल्यू होती है प्लस माइनस a। मतलब क्या कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ प्लस रख करके स्क्वायर करें तो भी वो प्लस में आएगा, माइनस का स्क्वायर करें तो भी। लेकिन यहाँ क्या है, x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के सेट में केवल पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, इसका मतलब है दिस इंप्लाई x1 is equal to x2। तो हम लोग देखते हैं क्या मिल गया कि x1 is equal to fx2 इंप्लाई x1 is equal to x2, इट मींस f इज 1। अब चेक किया जाए कि ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए देखिए हमको क्या करना होगा, फिर वही लेट y belongs to co-domain is image of x belongs to n domain। इसको मैपिंग की तरह से अगर आप समझें तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि जैसे ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर का, हम ये मानना है x का इमेज यहाँ पर है, ऐसे आप समझिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको फिर देखिए क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक, अब हम यहाँ पर अगर x की एफ एक्स की वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। ठीक है, अब फिर अपने आप से वो क्वेश्चन करिए कि क्या हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए तो क्या नेचुरल नंबर ही आएगा। तो वन का स्क्वायर रूट लिया तो वन आ जाएगा, लेकिन टू का स्क्वायर रूट लेंगे तो भैया रूट टू आ गया, रूट टू तो नेचुरल नंबर है नहीं। तो इफ वाई इज इक्वल टू टू देन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू और विच इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे को डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट टू तो ऐसा है जो डोमेन के किसी से भी रिलेट नहीं करता है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो सिंस फॉर ऑल
y belongs to natural number, there does not exist x belongs to natural number, such that fx is equal to y. So domain range of f is not equal to codomain. So f is not undo या फिर subjective भी बोल सकते हैं. तो कहानी समझ में आ रही है आपको? इस क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, बस आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपको पहचान हो कि भैया रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, तब उसी के बेसिस पर आप सही लॉजिक दे पाएंगे. इसी का देखिए सेकेंड क्वेश्चन लिया जाए. अब जो है फंक्शन है इंटीजर टू इंटीजर और डिफाइन किया गया फंक्शन मुख्य वही है x इक्वल टू x स्क्वायर, और ये चेक करना है कि 1112 है कि नहीं. तो फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z domain. Thus, f of x1 is equal to by x1 square and f of x2 is equal to by x2 square. If f of x1 is equal to f of x2, then this implies x1 square is equal to x2 square. अब आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है इंटीजर टू इंटीजर, और इंटीजर में आप जानते हो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, मतलब 1 2 3 4 ये सब, या फिर -1 -2 -3 उसके साथ 0, ये सब जो हमारे इंटीजर में आए तो इसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं. तो यहाँ से जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स वन इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एक्स टू. एक्स वन इज इक्वल टू प्लस एक्स टू लोगे तब तो भाई एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हो गया, लेकिन जब हम माइनस लेंगे तब क्या मिलेगा आपको? If this implies x1 is equal to minus x2, तो x1 is equal to minus x2 आ गया, इसका मतलब हो गया कि x1 is not equal to x2, so f is not 1. अब आप इसको जो है मैपिंग के थ्रू भी देख सकते हैं, देखिए कैसे आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा. देखिए यहाँ पर z, यहाँ भी z, यहाँ मान लीजिए हमने लिया 0 बीच में ले रहे हैं, -1 -2 -3 और नीचे 1 2 3 ऐसे करते हुए बहुत सारे इंटीजर्स हो. अब आप देखो यहाँ पर 0 का स्क्वायर कर दो, जैसे x की वैल्यू आपने 0 रखी तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0. तो देखो 0 तो 0 से रिलेट कर जाएगा, जब आप -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाएगा, और +1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आ जाएगा, देख रहे हैं. इसी तरह से -2 का आप स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आ जाएगा. तो आप देख रहे हैं इसमें 1 1 होने के लिए क्या होता है कि एक एलिमेंट का एक एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, लेकिन जब जो है अगर ये मेनी वन होगा तो डोमेन के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का को डोमेन के एक एलिमेंट से रिलेशन होगा. तो देख रहे हैं -2 और 2 का भी रिलेशन 4 से है, -1 और 1 का रिलेशन भी 1 से है. तो इस तरह से इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 1 नहीं है, मतलब मेनी वन है, इस क्वेश्चन में बोल सकते हैं. अब फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये ऑनटू या सब्जेक्टिव है, उसके लिए देखिए फिर वही स्टार्ट करेंगे. लेट यहाँ पे एलिमेंट लेंगे वाई, वाई बिलोंग्स टू जेड को डोमेन is f image of x belongs to z domain such that fx is equal to, अब
f x को आपने लिख दिया 1 by x is equal to 1, sorry f x है आपका यहाँ पर x square is equal to y, तो यहाँ से x की वैल्यू आती है plus minus under root y। अब फिर अब आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो क्या वो इंटीजर ही आएगा? कोई जरूरी नहीं है। अगर आप 2 ले लेते हैं तो रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 आप जाने तो ये आपका इरेशनल नंबर है, मतलब ये इंटीजर नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर माइनस 2 ले लिया तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि डोमेन में, को डोमेन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करते। तो हम जो कोई भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं, इफ वाई इज इक्वल टू 2 देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 व्हिच इज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। सो फिर वही पूरी कहानी लिखेंगे, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जेड दियर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट fx is equal to y. So range of f is not equal to codomain. So f is not on. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा कि लिखने का प्रैक्टिस, अगर आप सेकंड से प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से कर सकेंगे। तो हमने जैसे आपको दो तीन क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराया है, तो अब आप नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको आप अपने से ट्राई पहले करो, उसके बाद जो नेक्स्ट हम लेक्चर लेंगे उसमें हम और क्वेश्चन कराएंगे, फिर आप मैच कराइएगा कि आप सेकंड से कर पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं कि नहीं सेकंड से। इसमें भी लिखना बहुत जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, लेक्चर अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करें।